हेलो बच्चों, तो आज का जो चैप्टर है ना वो वेक्टर का चैप्टर है। किसी बच्चों को वेक्टर में दिक्कत हो रहा था तो वही मुझे बोला, सर मुझे वेक्टर में सर दिक्कत हो रहा है, सर आप लेक्चर पढ़ाओ, सर मुझे समझ में सर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, आज मैं वेक्टर कर लूंगा क्लास। सही है, तो वेक्टर क्या है, क्या है थोड़ा वेक्टर का हिस्ट्री पढ़ते हैं कि वेक्टर में क्या खासियत है, वेक्टर क्यों आया, पढ़ने में वेक्टर का क्या यूज हुआ। सुनना पहले, सबसे पहले कुछ कुछ पॉइंट है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या क्या है थोड़ा सीखेंगे। देखो, सबसे पहले वेक्टर का यूज कैसे हुआ, जैसे क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, पहले ये जान लो इंपॉर्टेंस क्यों है। जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति है, एक कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो मरने वाला है, उसने क्या किया, अपना कुछ दौलत, कुछ हीरा जवाहरत क्या किया, किसी घर के किसी फाट में रख दिया, किसी कोई जगह पे रख दिया। ठीक है, ठीक रख दिया। मान लो कोई घर है, ठीक है, क्या घर है, तो जो जो आंगन है ना, आंगन के लेफ्ट साइड में खजाना रख दिया। ठीक है, रख दिया खजाना, मतलब उसको गड्ढा करके उसके अंदर रख दिया, गड्ढा करके। ठीक है, तो अब जब वो मरने वाला था ना बच्चों, तो उसने अपने बेटे को बुलाया, बोला कि मैंने एक खजाना छुपा रखा है जो आंगन के 10 मीटर से, आंगन के बीच के 10 मीटर से वो खजाना रखा हुआ है, आंगन के बीच का बीच से 10 मीटर पे वो खजाना रखा हुआ है। ठीक है, तो खजाना रखा हुआ है आंगन के बीच, आंगन मान लो गोलाकार हो, मान लिया गोलाकार हो, ठीक है, या तो आंगन मान लो इस तरफ से रेक्टेंगल हो। ठीक है, बोलता है आंगन के बीच से 10 मीटर तक वो खजाना रखा हुआ है 10 मीटर। तो सोचो जब वो आदमी मर गया ना, तो उसका बेटा ने क्या किया, आंगन को खोदना स्टार्ट किया 10 मीटर से। हो सकता है यहां भी खोदे 10 मीटर, हो सकता है यहां भी खोदे 10 मीटर, सही बात है क्या। तो उसने क्या किया, जो बूढ़ा आदमी था ना, उसने ये नहीं बताया कि 10 मीटर नॉर्थ में है या 10 मीटर लेफ्ट में है या 10 मीटर साउथ में है। उसने लेफ्ट राइट मतलब कोई डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया। तो उस बेटे ने क्या किया, पूरा खोदना स्टार्ट किया। उसने क्या किया, पूरा लेके यहां से यहां तक खोद दिया। ठीक है, तो देखो जब यहां से यहां तक खोद दिया ना, अगर वो डायरेक्शन बता देता प्यारे बच्चों, अगर वो डायरेक्शन बता देता तो उसे कोई दिक्कत होता क्या, नहीं दिक्कत होता। उसने बोलता क्या, बोलता कि जो बीच अंगना है ना, बीच जो अंगना है उसके उसके ईस्ट साइड में, ईस्ट से 10 मीटर पे, ईस्ट से 10 मीटर पे खजाना रखा हुआ है। तो वो क्या करता, 10 मीटर ईस्ट में जाके खोद लेता, 10 मीटर पे वो खजाना निकाल लेता। इसीलिए वेक्टर का यूज हुआ। वेक्टर हुआ, वेक्टर गिव्स नथिंग, इट ओनली गिव्स द बेसिक आइडिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इट गिव्स बेसिक आइडिया ऑफ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। व्हाट मैग्नीट्यूड, जैसे 10 मीटर ईस्ट, तो इट्स अ वेक्टर नॉट अ स्केलर वैल्यू। इट्स अ वेक्टर 10 मीटर ईस्ट, व्हाट, इट्स अ वेक्टर। वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। क्या बात समझ में आया, यस सर। तो सिंपल सा बात है कि वेक्टर इसलिए यूज हुआ क्योंकि डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड को दिखा सके, इसलिए वेक्टर का यूज हुआ। बोलो क्या बच्चों समझ में आ गया क्या, यस सर मुझे समझ में आ गया सर। आज तो वेक्टर मुझे समझ में इतने शानदार आ गया कि मैं वेक्टर को कभी भूल ही नहीं सकता। क्यों हुआ वेक्टर, कैसे वेक्टर का यूज हुआ, क्यों इसका यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा देखो। तो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंस बता दिया क्या इंपॉर्टेंस है। बुरा आदमी बेचारे को अगर थोड़ा सा ज्ञान होता तो बोल देता कि लेफ्ट साइड में या तो ईस्ट 10 मीटर पे आंगन के बीच से खजाना मिल जाएगा, तो बेटे को इतना मेहनत करना नहीं पड़ता रहा, या ना, यस सर। अब देखो तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में सबसे पहली बात आता है लाइन। क्या आता है प्यारे बच्चों, लाइन। लाइन क्या होता है, लाइन जैसे ये लाइन है, इसमें देखो तो कोलिनियर पॉइंट, पॉइंट है ना, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर मतलब व्हाट, एक लाइन में जितना पॉइंट आएगा वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट। तो क्या बोलेंगे हम लाइन, लाइन क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट, कलेक्शन ऑफ
कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट का कलेक्शन को दैट हैज नो एंड, दैट हैज जिसका कोई एंड नहीं हो इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, लाइन बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, लाइन बोलेंगे, सिंपल सा बात है। तो ये सिंपल सा लाइन हुआ, ठीक है। अब मैं कुछ कुछ बातें तुम्हें ये बताने के लिए चाहता हूं। चलो देखो, मैं कुछ कुछ चीजें लिखूंगा, दिखने दे, लाइन हो गया, सिंपल सा बात है। मैं अपनी बातें लिखूंगा, एक तो लिखूंगा मैग्नीट्यूड, समझना, ये तो चलो ठीक है, लाइन का डेफिनेशन लिख दिया मैंने, कुछ बातें, एक लिख रहा हूं मैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक मैं लिख रहा हूं डायरेक्शन। मैं देखता हूं किसका मैग्नीट्यूड होता है और किसका डायरेक्शन होता है। चलो ये तो लाइन था, इसको मैं बताता हूं, ये लाइन में यहां बना, ठीक है, जिस पॉइंट का कोई एंड नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट जो है उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, सिंपल सा बात है। सिर्फ कोई बोले लाइन, क्या लाइन का कोई मैग्नीट्यूड होता है प्यारे बच्चों, लाइन का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। क्या इसका डायरेक्शन होता है, क्या, कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो लाइन का कोई मैग्नीट्यूड ना कोई डायरेक्शन होता है। अगर कोई बोले कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे मान लो लाइन है सेगमेंट व्हाट, तो सेगमेंट ए से बी मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो इट्स अ सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट का मैग्नीट्यूड तो होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होता। अरे हाय आला, यस सर, लाइन सेगमेंट। उसके बाद जो बातें आता है प्यारे बच्चों, लाइन सेगमेंट के बाद आता है रे, रे किरण, किरण का कोई जो सनलाइट आता है किरण, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं बट उसका डायरेक्शन होता है। अरे हाय आला, यस सर। लेकिन अगर ये बोले रे, ठीक है, रे ऐसा हो सकता है, ठीक है क्या, अब देखना, रे इन अ स्पेसिफाइड, नहीं इसको लिखो रे इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका डायरेक्शन होगा, लेकिन रे का कोई नेगेटिव नहीं होता। लेकिन सिंपल रे बोले तो वो मैं बताऊंगा, देखो। तो चलो ये हो गया, अब बोले कि लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस, कोई एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है लाइन सेगमेंट, तो उसका क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, होगा और डायरेक्शन भी होगा। अरे हाँ या ना, यस सर। तो लाइन सेगमेंट अगर डायरेक्टेड है, लाइन सेगमेंट अगर डायरेक्टेड है तो उसका क्या होगा प्यारे बच्चों, लाइन सेगमेंट का मैग्नीट्यूड तो होगा ही, लेकिन अगर वो डायरेक्टेड है मतलब इट गिव्स अ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी होगा। अरे हाँ या ना, यस सर। क्या ये बातें समझ में आया क्या तुम्हें, ठीक है क्या। तो लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस, तो इसका मैग्नीट्यूड भी और इसका डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हो गया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो। देखो क्या लाइन सेगमेंट वेक्टर होगा, नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है। क्या लाइन मैग्नीट्यूड, क्या लाइन वेक्टर होगा, नहीं, क्योंकि इसका ना तो मैग्नीट्यूड ना ही डायरेक्शन है। तो रे, रे इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, क्या ऐसा कोई मैग्नीट्यूड था, नहीं, तो ये वेक्टर नहीं हो सकता कभी भी, रे कभी भी वेक्टर नहीं होता है और ये डायरेक्शन ही होता है उसका, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट अलोंग एक्सिस ये क्या होगा, वेक्टर होगा, सिंपल सा बात है। इसी बात, ये सब छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब पढ़ते हैं वेक्टर, वही हुआ वेक्टर क्वांटिटी या तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर क्या होता है, सुनना, वेक्टर जो प्यारे बच्चों, कोई बोले वेक्टर का डेफिनेशन बताओ, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी बोल दो या तो क्वांटिटी बोल दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होने चाहिए। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी, वो क्वांटिटी है, चलो मैं इसको शॉर्टिंग में लिखूं, क्या, देखो देखो, तो इसका क्या क्या होता है, फर्स्ट में इसका मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, सेकेंड में क्या होता है इसका, तो सेकेंड में डायरेक्शन होता है, जो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, और थर्ड बातें जो होता है, इट मस्ट ओबे लॉ ऑफ ट्रायंगल या तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या तो लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल इन वेक्टर,
ठीक है, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल को, ये तीन बातें होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को मेंशन करने के लिए, क्या क्या बोलो तो, एक तो मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन, और एक क्या, एक है लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, वो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, तुम्हें अगर ज्ञान हो तो। लॉ ऑफ ट्रायंगल ये होता है प्यारे बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, कोई बोले क्या इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर होता है क्या, और सुनना प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड चलो होता है, मैग्नीट्यूड होता है चलो कोई बात नहीं, डायरेक्शन भी होता है, अरे ठीक है क्या, इलेक्ट्रिक करंट में जैसे कि मान लो वायर है, 2 एम्पियर है, इस साइड है 2 एम्पियर, ठीक है जा रहा है इस साइड, हो सकता है इस साइड भी हो, ठीक है, तो इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये डू नॉट ऑब्वे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला प्यारे बच्चों, समझ में आया, इसमें दोनों चीज होता है लेकिन इट डू नॉट ऑब्वे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, कौन, इलेक्ट्रिक करंट। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है वो समझाऊंगा बाद में, आया ना, यस सर, तो नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट कहीं वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। एक बात और, इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं होता है, एक बात और सुनो, इसका जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स होता है, और कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स कभी भी नहीं होता। इसका फिक्स क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से ही निकलता है, हमेशा पॉजिटिव से ही निकलता है इलेक्ट्रिक करंट ना, पॉजिटिव, ये क्या प्लेट है, बैटरी है, पॉजिटिव से निकलता है हमेशा, इसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सिंपल से सिखाया जाता है, नाइन्थ या टेंथ को सिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज फिक्स, ये हमेशा पॉजिटिव से ही निकलता है, और कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं है जिसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है, ठीक है क्या, यस सर। अच्छा वेक्टर क्या हो सकता है, तो वेक्टर का एग्जांपल बोलो सिंपल से क्या हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट, अरे सही बात है क्या, यस सर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मैं ये बताऊंगा बाद में, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बाद में आएगा, अभी चिंता मत करना, दिमाग में रखना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ईटीसी, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, तो ये सब है वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का तीन बातें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इट मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, राइट, ओके सर, चलो चलो, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अच्छी कोई भी वेक्टर है, कोई भी, अगर मान लो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, सुनना पहले प्यारे बच्चों, देखना है तो मजा आएगा थोड़ा सा, देखो, इफ ए इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ए क्या है फिजिकल क्वांटिटी, मान लिया फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सलेशन, इसे मान लिया उसको, ठीक, फिजिकल क्वांटिटी। इफ ए इज अ वेक्टर, अगर ए को वेक्टर होना पड़ेगा तो वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ए जो है वो वेक्टर, कैसे जानेंगे हम, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर ए कोई वेक्टर है तो इट इज रिटर्न एज, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखो, इफ ई है, इफ ए इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड ए इज अ वेक्टर, अगर ए कोई फिजिकल क्वांटिटी हो और ए क्या हो, वेक्टर हो, देन इट कैन बी रिटेन, इट कैन बी रिटेन, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। देखो मुझे पता है कि ए मान लो वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे इसका सिग्निफिकेंस देखना है, क्या है, क्या हम देख के पहचान सकते हैं कि ये वेक्टर है, तो इट कैन बी रिटेन एज, ए पे एरो लगा दो, ए पे एरो लगा दोगे तो मुझे पता चल गया, मैं इसे नहीं भी पढ़ूंगा, मुझे अगर मैं ये देख लूंगा तो मुझे पता चल गया कि ए क्या है, वेक्टर है, ठीक है क्या, कभी कभी ऐसा भी देख, थोड़ा सा बोल्ड, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस व्हाट, तो ये पता दे देगा कि ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे भी, या तो ऐसे भी देख, ए पे क्या, तो तीनों चीजें हैं, एंड तीनों चीजें हैं, तीनों सिंबल जो बताएगा वो बताएगा कि ये वेक्टर पॉइंट है, कोई भी फिजिकल पॉइंट है, कोई भी, क्योंकि मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे जानना है कि कौन सा फिजिकल पॉइंट है, तो मैं जैसे ही देख लूंगा कि ऐसा लिखा हुआ है, या तो ऐसा लिखा हुआ है बोल्ड में, या तो ऐसा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ऐसे कैप,
इसे बोलते हैं ताज, मतलब इसको पहचानने के लिए कि ये वेक्टर है, मैंने इसको क्या किया, ताज पहना दिया, मैंने क्या किया, ताज पहना दिया, ताज मैं ऐसे ही बोल रहा हूं मजे के लिए। ये वेक्टर को डिनोट करता है, और ये डिनोट करता है कैप, इसे बोला जाता है कैप, सी ए पी कैप, ये बोला जाता है वेक्टर एरो, इसे क्या बोला जाता है एरो। समझ में आया बच्चों? तो एरो और कैप के साथ कोई भी क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी में अगर लगा हुआ है, मतलब इट मींस इट इज अ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर का तीन सिग्निफिकेंस, एक इस तरह से, एक इस तरह से, और एक इस तरह से। ये एरो है, ये कैप है, और ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है अरेबिक में। ठीक है क्या? ओके सर। तो पहचानने के लिए कुछ अलग आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, जो एरो से डिनोट करता है और जो कैप से डिनोट करता है, जो इससे लिखा जाता है। ठीक है, सिंपल सा बात है। क्या पहले बच्चों समय आएगा? यस सर। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी वेक्टर को? ठीक है, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी वेक्टर को? तो देखो, वेक्टर को मैन तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसा एरो से। कैसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों? एरो से। ये क्या है? ग्राफ से ऐसे लिखा जाएगा, एरो इस तरह से। सिंपल सा वो तो सिंपल सा ये होता है, सिंपल सा लिखा जाता है, कोई बात नहीं। अब देखना, इसे बोला जाता है हेड, इसे क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? हेड। और इसे बोला जाता है टेल, इसे क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? टेल। इसे टेल और इसे हेड। ठीक है क्या? और अगर अगर ये इस साइड हो, ये क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर? जो चाहो लिख लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वो इस टाइप से होगा। इसे क्या बोलेंगे? टेल। इसे क्या बोलेंगे? हेड। हेड सो व्हाट? हेड सो, हेड शोस डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ मूविंग वेक्टर। मूविंग कोई वेक्टर है, मूविंग कर रहा हो या तो डायरेक्शन हो, तो वो हेड शो करेगा डायरेक्शन को। ठीक है क्या? ठीक है प्यारे बच्चों। और या तो ऐसा नहीं, इसको सबसे अच्छा रहेगा, टेल टू हेड, टेल टू हेड शोस डायरेक्शन। क्या शो करता है प्यारे बच्चों? डायरेक्शन को शो करता है टेल टू हेड, राइट। ठीक है, और जो ये जो लेंथ है ना प्यारे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है प्यारे बच्चों, ये इट शोज दैट, इट शोज मैग्नीट्यूड। ये क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड को शो करता है। क्या शो करता है प्यारे बच्चों? मैग्नीट्यूड। जैसे जैसे मान लो कि ऐसे मैंने बनाया, ये मान लो 5 न्यूटन है, तो मैं अगर ऐसे बना दूंगा तो ये 10 न्यूटन हो जाएगा, मतलब 5 से ये हमेशा क्या रहेगा, चाहे हो सकता 8 न्यूटन भी हो। तो ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे। क्या बात समझ में आया? यस सर। तो ये 5 न्यूटन, ये कितना? 10 न्यूटन। तो ये जो लंबाई है ना, इट गिव्स मैग्नीट्यूड, और टेल टू हेड जो है, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। सिंपल सा बात है क्या प्यारे बच्चों? समझ में आया क्या? यस सर। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनाया जा सकता है, इट गिव्स मैग्नीट्यूड। ये 5 न्यूटन, जैसे मान लो ये दे रहा है इस साइड 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना होगा? तो हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड हो। सही बात है क्या? यस सर। लंबाई ज्यादा हो गया, मैग्नीट्यूड शो करता है वो। समझ आया क्या बोला प्यारे बच्चों? यस सर। तो सिंपल सा बात है कि ये वेक्टर को ऐसे सिग्निफिकेंस ऐसे हम लिख सकते हैं। बहुत अच्छा सर, वेक्टर समझ में आ गया सर मुझे अब। चल, तो वेक्टर में ये बातें हैं प्यारे बच्चों। ओके सर, बहुत अच्छा सर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया सर, बहुत बढ़िया सर। चल थोड़ा देखते हैं डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन थोड़ा देखते हैं। ठीक है, चलो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, चलो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताओ, इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो इधर साउथ। सही बात है क्या? यस सर। सुनना पहले, जैसे जैसे बोले, ये बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट, सिंपल सा बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बिल्कुल, तो ये कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। ठीक है, अगर कोई बोल दे, जैसे मान लो
इस टाइप से देखो, नॉर्थ ईस्ट बोले तो सिंपल सा ऐसा नॉर्थ ईस्ट क्या बनाएगा, ये 45 डिग्री बनाएगा, सिंपल सा बात, नॉर्थ ईस्ट में सिंपल सा। या तो बोले साउथ, साउथ वेस्ट, तो सिंपल सा कितना बनाएगा प्यारे बच्चों, 45 बनाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जैसे बोल रहा है ईस्ट, सॉरी ईस्ट, साउथ वेस्ट, सुनना, मान ऐसे कोई वेक्टर है, बोल रहा है कि ये 30 डिग्री है, इसको क्या लिखा जाए, सुनना पर इसको क्या लिखा जाएगा, देखो तो नॉर्थ और ईस्ट में है ना ये, अगर नॉर्थ ईस्ट बोलता तो 45 डिग्री, अब ये 45 डिग्री नहीं होगा, यहां पे क्या 30 डिग्री, यहां पे क्या लिखा जाएगा, सुनना, यहां लिखा जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट का नॉर्थ, मतलब क्या हुआ कि ईस्ट के साथ नॉर्थ का कितना है 30 डिग्री, क्या मेरा समझ आया कि, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब 30 डिग्री बनाएगा ईस्ट के साथ। कोई बोले मुझे बता दो कि 45 डिग्री बना दो साउथ, नहीं बोले जिसे ये मान लो, ये बोल रहा है देखो, तो मान लो ये बोला 60 डिग्री, क्या बोलोगे तुम इसको, इसको बोलेंगे कि 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के साथ एंगल कितना 60 डिग्री इसका जो साउथ में है, ठीक है क्या। तो सिंपल सा बात है, इसको ऐसा लिखा जाएगा, दिमाग में ये बातें रख लो, अरे बोलो हाँ या ना, यस। क्या ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शन तुम्हें समझ में आ गया क्या, क्या ऐसे तुम लिख सकते हो क्या, यस सर। चलो मुझे ये लिख के दिखा दो, कोई बोल रहा है, चलो मुझे बताओ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलता है, ये बना के दिखा दो, और एक और बोलता है 5 न्यूटन 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये बोल रहा है, चलो इसको बना के दिखा दो, कोई बात नहीं, देख लो, मुझे पता है नॉर्थ, मुझे पता है साउथ, मुझे पता है ईस्ट, मुझे पता है वेस्ट, अरे हाँ या ना, यस सर। बोलता है 10 न्यूटन फोर्स कितना है, 10 न्यूटन कितना, 30 वेस्ट के साथ कितना है 30 डिग्री, तो वेस्ट के साथ 30 डिग्री है, सही बात है क्या, यस सर। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब नॉर्थ ऑफ वेस्ट में कितना है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन, चलो मैंने ऐसा बना दिया 10 न्यूटन, सही बात है क्या, ये कितना 10 न्यूटन, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन में क्या अंतर है प्यारे बच्चों, तो 10 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, इसका मैग्नीट्यूड कम, तो इसका लंबाई वेक्टर का ज्यादा, इसका लंबाई थोड़ा कम, जैसे मान लो एक डिवीजन ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां बना दो, ठीक है, और 10 यहां, ठीक है क्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। मान लो एक डिवीजन 1 न्यूटन है, सपोज कर लो कि एक डिवीजन कितना है 1 न्यूटन है, तो ये कितना है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन बन गया, सिंपल सर। डायरेक्शन तुम्हें लिखना आता है 10 न्यूटन, कोई बात, ये कितना 5 न्यूटन 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ईस्ट इधर है, तो ईस्ट के साथ 60 डिग्री, तो ईस्ट के साथ 60 डिग्री, ईस्ट के साथ 60 डिग्री, सही बात है क्या, ये 5 न्यूटन मतलब इसका थोड़ा लंबाई ज्यादा, इसका लंबाई थोड़ा कम, तो एक, 2, 3, 4, 5 समय आया, ये कितना है 5 न्यूटन, समय आया बच्चों, तो ये क्या है 5 न्यूटन 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, अरे हाँ या ना, यस सर। ये बोलो 10 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या बच्चों समय आया क्या, यस सर। ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा बड़ा मैग्नीट्यूड का अंतर है, अरे हाँ या ना, यस सर। चलो अब तो मैंने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बातें पढ़ लिया, मैंने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बातें पढ़ लिया, और क्या इंपोर्टेंट है इसमें पढ़ना, थोड़ा और देख लो, थोड़ा और देख लो। चलो इसमें और कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं, तो इंपोर्टेंट बातें क्या क्या है सर, सीखो थोड़ा, इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर, रिलेटेड टू वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बनाएगा वेक्टर के बारे में, ये तुम्हें अच्छे से नॉलेज देगा, सीखो कैसे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या, सुना, ऑन रोटेटिंग,
ऑन रोटेटिंग 2π और 60 डिग्री वेक्टर वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कोई भी वेक्टर को 2π रेडियन या तो 360 डिग्री से घुमा दो तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसे कोई मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, इसको घुमा दो 360 डिग्री पे 2π रेडियन पे, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज। क्या प्यारे बच्चों ये बातें समझ में आया क्या? यस सर, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। कब? जब 2π, जब 2π या तो 360 डिग्री से घुमा दो, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड बात सीखो, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, वेक्टर को शिफ्टेड किया जा सकता है पैरेलल से, कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, मतलब वेक्टर को ये पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है पैरेलल, राइट? तो पैरेलल शिफ्ट कैसे होगा वेक्टर को, कैसे, उसका एग्जांपल देखो, उसका उदाहरण देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अरे हाँ या ना, यस सर। जैसे मान लिया मैंने, जैसे मान लिया नॉर्थ ईस्ट है, चलो ठीक है, वेस्ट है, और ये देख रहा, मान लिया कि ये दिया हुआ है 5 न्यूटन, ठीक है क्या, ये एंगल है 30 डिग्री, और ये दिया हुआ है, इसको पैरेलल शिफ्ट मतलब क्या हुआ, पैरेलल शिफ्ट मतलब क्या हुआ, 5 न्यूटन यहां से दिया हुआ है, इसको पैरेलल में, पैरेलल मतलब व्हाट, कि इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हैं 5 न्यूटन का एक्सिस, इसके साथ कितना एंगल है 30 डिग्री के साथ। समझ में आया क्या, पैरेलल शिफ्ट हो गया ना, पैरेलल शिफ्ट हो गया ना, तो इसको मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया पैरेलल। तुम चाहो तो इसको नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो, अरे हाँ या ना, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, अरे कितना एंगल है ये 30 डिग्री, 5 न्यूटन, देखो पैरेलल शिफ्ट है कि नहीं, यस सर, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इसको भी ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली विदाउट एनी कंफ्यूजन, दिमाग में ये बात जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल आ जाएगा ना इस पे, तुमसे नहीं बनेगा, जो बच्चा नीट और जेई करता है उसके लिए आसान होता है, अरे कभी कभी उसे भी नहीं आता, दिक्कत तो ये बात है, कभी कभी उसे भी नहीं आता, जो जो ड्रॉपर होता है उसे भी नहीं आता, वो भी भूल जाता है यार, अरे भूलना तो इंसान का फितरत ही है, भूल जाता है, कोई बात नहीं, रिविजन होता है तो अपने आप याद हो जाता है। तो वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, ये बातें याद रखेंगे। थर्ड बातें क्या है देखो, थर्ड बातें क्या है थोड़ा और देखो, अच्छा ये बताओ, शिफ्टेड शिफ्टेड ऐसे भी देख, देख मान लो ए वेक्टर इधर है, ठीक है, इसको शिफ्ट यहां कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात किसी को बोलो, अरे हाँ या ना, शिफ्ट कर दिया लो, तो ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है, बोलो हाँ या ना, यस सर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वर्टिकली में भी शिफ्ट हो सकता है या तो हॉरिजॉन्टली में भी शिफ्ट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल थर्ड पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, थर्ड पॉइंट में है प्यारे बच्चों, देखो थर्ड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन ज्वाइनिंग टेल टू टेल, टेल टू टेल अ स्मॉलर एंगल ऑन ज्वाइनिंग टेल टू टेल, अगर दो वेक्टर के बीच टेल टू टेल मिला हो, बिटवीन टू वेक्टर ऑन ज्वाइंट टेल टू टेल बिटवीन टू वेक्टर अ स्मॉलर एंगल, अ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, ये बिटवीन है BETWEEN, बिटवीन देम इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, थोड़ा सीखो इसका मतलब क्या हुआ। ऐसे मान लो, सुनना पहले, कभी भी दो वेक्टर के साथ एंगल मापना हो तो वो हमेशा जो वेक्टर है वो टेल से टेल मिला होना चाहिए, बिना टेल टू टेल का अगर एंगल मेजर करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया क्या? यस सर। क्या बोला, दो वेक्टर के बीच अगर एंगल मेजर करना है तो फर्स्ट दोनों वेक्टर को टेल टू टेल होना पड़ेगा। तो अगर कोई टेल टू टेल कोई वेक्टर है ए, एक और वेक्टर है बी, अरे सही है क्या, मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है,
60 डिग्री है ये ए और बी में, तो ए और बी में एक तो ये 60 डिग्री है पर एक ऐसा यूज होता है ये वाला एंगल, ये कितना है बोलो 360, कितना 300 डिग्री, ठीक है। तो देखो तो बोला गया कि ऑन जॉइनिंग टेल टू टेल बिटवीन टू वेक्टर अ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो बोले मुझे बताओ एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा। क्या होता है 60 डिग्री, क्या ये कभी भी एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या ये 300 डिग्री यहां पे होगा, क्या कभी नहीं। 300 डिग्री मत लिख लेना यार, रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोला क्वेश्चन में आया क्या, यस सर, स्मॉलर एंगल जो होगा ना वही क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा। अरे बोलो क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर। क्या ये बातें समझ में आया क्या, यस सर। जो स्मॉलर एंगल होगा, हाँ हमेशा हमेशा एंगल मेजर हमेशा एंगल कैसे देखेंगे, तो दो वेक्टर को हमेशा टेल से टेल मिलाएंगे तभी हम देखेंगे। बोलो क्या समझ में आ गया क्या, यस सर। बोलो क्या समझ में आ गया सर, यस सर। अच्छा मुझे ये बता दो ए वेक्टर है ठीक है, ये कोई बी वेक्टर है, देखो ठीक है ये ए वेक्टर बी वेक्टर। अब दिया हुआ है कि ये एंगल 120 है, कितना प्यारे बच्चों ये बी वेक्टर है ये ए वेक्टर है, दिया हुआ 120 है। बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो बच्चा क्या बोलेगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी जो एंगल है सर वो एंगल है एंगल थीटा, कितना है दोनों के बीच, तो एंगल थीटा दोनों के बीच 120। अरे 120 डिग्री नहीं है वो, एंगल बिटवीन देम 120 है क्या, यहां पे तो 60 थीटा। तो सुनना एंगल मेजर करने के लिए दो वेक्टर को टेल से टेल मिलाते हैं, तो देखो इस बी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, पैरेलली या तो थोड़ा एक्सटेंड नहीं मतलब इसको पैरेलल शिफ्ट में कर लिया, पैरेलल कर दो चाहे इसी के अलोंग कर दो, वो बात क्या है प्यारे बच्चों सेम है, मतलब इट कैन बी शिफ्टेड ऑल्सो लीनियरली, मतलब इसको यहां से यहां ले जा सकता हूं मैं, सही बात है क्या। अब देखो तो ये टेल से टेल मिल गया, अरे इसको उठा के मतलब इसी को इधर कर दिया ना, ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा बच्चों 60 डिग्री, तो ए और बी के बीच एंगल कितना आंसर आएगा बच्चों 60 डिग्री आएगा। बोलो ये आंसर समझ में आया क्या, यस सर। अरे इस वेक्टर को मैं शिफ्ट कर सकता हूं, दिस वेक्टर कैन बी शिफ्टेड अराउंड द सेम लाइन, वेक्टर को सेम लाइन में शिफ्ट किया जा सकता है, चाहो तो लिख लेना पुशअप पॉइंट, क्या बोला समय आया, यस सर। तो सिंपल से मैं लिखाऊंगा नहीं ज्यादा, चलो मैं कहां गया ये, हाँ जस्टर, चल एक मैं इस पे न्यूमेरिकल दूंगा जो क्या तुम्हें समझ में आ गया तो मुझे बता देना सर मुझे समझ में आ गया, चल देखो तो ए वेक्टर 30 डिग्री ठीक है, बी वेक्टर 60 डिग्री ठीक है, सी वेक्टर 45 डिग्री ठीक है। बोलता है फाइंड एंगल बिटवीन, क्वेश्चन देख लो एग्जांपल देखो जबरदस्त क्वेश्चन है समझ में आ जाएगा तुम्हें, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच एंगल बताओ फर्स्ट में सेकंड में, वेक्टर ए एंड सी थर्ड में, वेक्टर बी एंड सी ठीक है क्या, ये निकालना है। अब देखो देखना मैंने जो तीनों पॉइंट जो पढ़ा ना कि दो 360 डिग्री से कोई वेक्टर को रोटेट करते हैं तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, ये भी बात सही है, थर्ड बात ये है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड ऑन द सेम लाइन, ये भी मैंने लिखाया नहीं है लिख लीजिए ना ठीक है कोई बात नहीं ठीक है। और फोर्थ बात ये पढ़ा था कि एंगल निकालने के लिए किसी वेक्टर के बीच टेल टू टेल मिला होना चाहिए तभी वो एंगल निकलेगा, ये भी बात पढ़ रखा था, बहुत अच्छा सर बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया मजा आ गया ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूं प्यारे बच्चों देखना, बी वेक्टर को चलो उससे भी बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ये बी वेक्टर मैंने ऐसे ए रो दिखाया तो ये लिखा 6 ठीक है कोई बात नहीं, चलो बी वेक्टर ऐसे ए वेक्टर उधर ए सी वेक्टर इधर ठीक है। देखो ए और बी के बीच, अब देखो ए और बी के बीच देखो यहां ए रो है,
मुझे ए और बी के बीच निकालने के लिए ए का टेल और बी का टेल मिलाना पड़ेगा, तो टेल देखो तो बी को एक्सटेंड कर सकता हूं मैं, बोलो हाँ या ना। बी वेक्टर इधर आ गया, बी वर्टिकल के साथ ES जो चलिए कितना 30, तो ये भी कितना प्यारे बच्चों 30, बोलो हाँ या ना। तो A और B के बीच कितना एंगल हो गया 60 डिग्री, कितना एंगल हो गया 60 डिग्री, अरे हाँ या ना, यस सर। अब बताओ A और C के बीच, तो A और C के बीच, अब C को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है प्यारे बच्चों, तो C को पैरेलल शिफ्ट सोचो तो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा 45, ये 45 तो ये भी 45, इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ इसको शिफ्ट कर दो यहां पे, ठीक है, क्या बनेगा देख देख लो कर लो, ये बी है ना 30, ये कितना बनाएगा 45, थोड़ा सा इधर सी वेक्टर, ये कितना बनाएगा 45, सही बात है क्या, यस सर। ए और सी के बीच देखो, ए और सी में 10 टू 10 मिल गया, सही बात है क्या, यस सर। ए और सी के बीच कितना है, तो देखो ये 45 और ये 30 कितना 75, समझ में आया क्या बोला मैंने, यस सर 75 आ गया। सी को मैंने क्या किया शिफ्ट कर दिया बच्चों ऊपर की ओर, क्योंकि इसके साथ कितना एंगल था 45 था हॉरिजॉन्टल, तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया और ये 45 बना दिया, सही बात है क्या, यस सर। और बी और सी के बीच बताओ, तो बी और सी के बीच कितना है, ये 45 ये 30 ये कितना 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो हाँ या ना, स्वयं में आया क्वेश्चन ये, यस सर स्वयं में आ गया। क्या तुम ऐसा वेक्टर निकाल सकते, क्या तुम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो क्या, यस सर मैं ऐसा क्वेश्चन कर सकता हूं। और देख लो तो क्वेश्चन, और देख लो मजा आ जाएगा, देख लो ए वेक्टर ठीक है 45, बी वेक्टर 30, चलो ए और बी के बीच बताओ, तो इसको शिफ्ट किया जा सकता है, तो शिफ्ट कर दो 30 है तो शिफ्ट कर दिया, लो बी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, ये कितना माइनस के साथ 30 डिग्री है नहीं, तो ये कितना एंगल हो गया दोनों के बीच 45 माइनस 30 कितना 15 डिग्री, तो ये 15 डिग्री, समय आ गया, यस सर। अब बताओ शिफ्ट कर ए और सी के बीच बताओ, तो ए और सी इसको शिफ्ट कर दो, ए और सी को देखो सी कितना ये एंगल 60, तो देखो ए और सी ये टेल मिल गया ए का और सी का टेल यहां है, तो ये एंगल माप लो कितना है, देख लो तो ये देख लो कितना है, ये 45 थी, ये भी कितना प्यारे बच्चों 45, ये कितना 90, तो टोटल कितना आ गया देखो, तो 45 प्लस 90 प्लस 60 कितना आ गया, ये 45 ये 90 और ये कितना 60 कितना आ गया 45 प्लस 150 कितना आ गया, तो 195 डिग्री, कितना एंगल आएगा 195 डिग्री आएगा, समझ में आया कैसे, यस सर। बी और सी के बीच बताओ, तो बी और सी के बीच देख लो, बी और सी के बीच तो मुझे पता है ये 195, तो ये कितना 15, तो बी और सी के बीच निकल जाएगा 95 15 कितना, अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मुझे, एक तो आएगा ए और सी के बीच 195 और 360 माइनस 195 कितना आएगा प्यारे बच्चों, बोलो 5, ये कितना आएगा 15, 6 ये कितना 165, देख तो स्मॉलर एंगल लेंगे, क्या लेंगे प्यारे बच्चों स्मॉलर, तो 195 होगा नहीं क्या होगा 165 होगा, मतलब ये एंगल नहीं, कौन सा एंगल मेजर करेंगे हम, ये वाला एंगल कितना होगा 165, क्योंकि स्मॉलर एंगल लेना है यार, क्योंकि देखो 360 है ना 195 इसके हाफ से ज्यादा आ रहा था, तो कहते हैं स्मॉलर एंगल जरूर होगा, सिंपल सवाल 165 डिग्री। अब सोचो कि बी और सी के बीच, तो बी और सी के बीच क्या हो जाएगा 165 और ये कितना 15 कितना 180, मतलब 180 ठीक है 180 मतलब कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इधर से भी 180 होगा क्योंकि सॉरी ये पूरा कितना 165 माइनस 15 कितना 165 है, बी से ए से लेकर सी तक ठीक है, तो ये 15 माइनस कर दो तो बी और सी के लिए, तो 165 माइनस 15 कितना 150 डिग्री, समझ में आया प्यारे बच्चों, यस सर। एंगल बिटवीन देम बिटवीन टू वेक्टर हम निकाल सकते हैं, सिंपल सा बात है, क्या समझ में आ गया क्या, यस सर। चलो आज का क्लास इतना ही, अब कल करेंगे हम, ठीक है, ओके सर।